please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का एक मुखपत्र है. मुखपत्र को आप पांच जन्य के नाम से जानते हैं. मुखपत्र का मतलब एक संगठन जो अपने एजेंडा को अखबार किताब जो वो अपने स्तर पर दैनिक साप्ताहिक पाक्षिक या माहवार छापता है और जिसके माध्यम से वो जनता से अपने एजेंडा का संवाद स्थापित करता है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी एक मुखपत्र है जिसका नाम हमने आपको पहले बताया पांचजन्य. पांचजन्य के माध्यम से RSS ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो का ब्रांड एम्बेसडर बने रहने और हाल ही में तुर्की यात्रा को लेकर उनकी खूब खिंचाई कर दी है. इस चार पेज के लेख जिसका नाम RSS ने पांचजन्य में ड्रैगन का प्यारा खान लिखा है उसमें आमिर खान पर उन्होंने कई सवाल उठाए हैं. RSS के जो सवाल हैं और जो उन्होंने अपने लेख में कहे हैं वो ये हैं कि आमिर खान की फिल्म दंगल ने चीन में कुल 1400 करोड़ रुपए का कारोबार किया जबकि सलमान खान की सुल्तान महज 40 करोड़ में ही वहाँ निपट गई. मतलब इतना ही पैसा वहाँ पर वो कमा पाई. भारत में चीनी मोबाइल फ़ोन वीवो के ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान जो सुरक्षा के नियमों की खुलेआम अनदेखी करता है. कौन करता है? वीवो. आमिर खान के चीनी सोशल मीडिया मंच सिनो वीवो पर 10 लाख से अधिक फॉलोवर हैं. लेख में कहा गया है कि मुस्लिम उम्मा का खलीफा बनने को बेताब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की पत्नी के साथ आमिर खान की फ़ोटो प्रचारित हो रही है. चीन में आमिर खान की फिल्में क्यों इतना शानदार कारोबार करती हैं जबकि अन्य जो सितारे हैं जो निर्माता हैं वो वहाँ पर असफल हो जाते हैं. पांचजन्य में लिखा है जिस तरह आमिर खान तुर्की जाकर एक तरह से भारत के लोगों की भावनाओं को ठेंगा दिखा रहे हैं उससे समझने की ज़रूरत है. एक तरफ तो वो खुद को सेक्युलर कहते हैं पर दूसरी तरफ यही आमिर इसराइल के प्रधानमंत्री के भारत आने पर उनसे मिलने से मना करते हैं. पांचजन्य में RSS ने आगे कहा है अगर आमिर खुद को इतना ही सेक्युलर मानते हैं तो उस तुर्की जाकर शूटिंग करने की क्यों सोच रहे हैं. जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता वहीं साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्त कहे जाने वाले माने जाने वाले इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत जब आए थे उन्हें एक ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लेना जहां उन्हें कई कलाकारों से मुलाकात करनी थी. इस कार्यक्रम में आमिर खान को भी बुलाया गया था लेकिन वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे जिसके बाद उन पर सवाल उठने लगे. मसलन भारत पाकिस्तान मामलों में तुर्की हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता है. जब भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया तब तुर्की ने पाकिस्तान के साथ साथ भारत का विरोध किया था. इस्लामिक देश होने की वजह से तुर्की भारत के विरोध में पाकिस्तान की हर गतिविधि का समर्थन करता रहा है. बीती 15 अगस्त की रात को तुर्की की पहली महिला राष्ट्रपति यानी रेसेप तैयब एर्दोगन की पत्नी अमीन एर्दोगन ने ट्विटर पर कई तस्वीरें शेयर की थी. इन तस्वीरों में वो राजधानी इस्तांबुल में आमिर खान के साथ बातचीत करती हुई नज़र आई थी. इस ट्वीट में उन्होंने खुशी जताई कि आमिर खान अपनी फिल्म की शूटिंग तुर्की के अलग अलग इलाकों में करना चाहते हैं. इस ट्वीट के बाद आमिर भारत में कई लोगों के निशाने पर आ गए. तो इस वक्त आमिर खान जो हैं वो RSS के यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निशाने पर भी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के हिंदू एजेंडा के निशाने पर भी हैं. हम हर एजेंडा को हर खबर को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप जब हमारी खबर देखेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि हम आपकी चाही हर जगह पर अपनी खबरों के साथ पहुँच सकें. इसलिए आपको हमारा चैनल इसी वक्त सब्सक्राइब कर लेना है बेल आइकन को प्रेस कर देना है. अगली खबर के साथ आपसे फिर मिलेंगे. शुक्रिया.